ऐसा तो नहीं कि मिस्त्री भाइयों ने वो अंडा जो है तोड़ तो नहीं दिए। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों ये देखें, हमने सारे बर्ड जो आते साथ ही बाहर निकाल लिए, सिर्फ हमारे जैकवे और ट्विटी जो है वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, लेकिन ये वाले बर्ड जो है हमारे ये इसी तरह रहेंगे यहाँ पे। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम जो है आज इसको सेट करा रहे हैं अपने देसी तरीके से, क्योंकि हमारा माहौल भी देसी है। तो आज हम इसको सेट करा रहे हैं, ये इसकी नीचे वाला जो सहन है इसको, वो छतें हो गई, बाहर वाला सहन, वो सारी दीवारें जो आज उनको हम सेट करा रहे हैं। इसलिए मैंने जल्दी से अपने बर्ड जो बाहर निकाले हैं, तो इनको भी लेके चलते हैं और काम जो है वो थोड़ी देर तक शुरू करवा रहे हैं हम। हाँ जी, हमारा चुन्नू मुन्नू ना माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है ये देखें। लेकिन और एक हमारी जो मुर्गी है ना रेड मुर्गी, ये बेचारी अब ये बेचारी बीमार हो गई है ये देखें। तो अभी अंसर भाई आते हैं तो हम इसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यार मैं दिखाता हूँ, हमारे जो चूज़े हैं ना वो विलेज की दूसरी साइड पर आए हुए हैं, वो देखें वो उधर फिर रहे हैं, मैं घूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा विलेज है ठीक है, और ये इस साइड पर आए हुए हैं, और ये देखें ये रेड मुर्गी फिर रही है किसी की, वो देखे बहुत प्यारी यार मुर्गा है, मैं कह रहा था मुर्गी है, मुर्गा है ये। तो माशाल्लाह काम हमारा स्टार्ट हो गया है, और हमने अपने बर्ड जो थे ना वो अपने बर्ड केज के अंदर ठहरा दिए यहाँ पे, और ये देखिए माशाल्लाह यार ज़बरदस्त हो गया, ये देखें कमाल। तो माशाल्लाह दोस्तों हमने जो हाउसेस बनाए थे ना उनके ऊपर जो है बिल्कुल ये देखें काम पूरा का पूरा हो चुका है, और इधर मैं आपको अपने बर्ड्स हाउस के अंदर भी दिखा देता हूँ कि हमने वो काम क्या करवाया है। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है ये भी, पंखा जो चल रहा है, बाकी हमारे वो वाले बर्ड्स तो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पर ठहरे हुए हैं, और बाकी जो हमारे बर्ड्स थे ना, हमारे पिजन्स हो गए या हमारी मुर्गियाँ होगी, वो हमने अपने बर्ड्स हाउस के अंदर अभी तक खड़े हुए हैं, वो देखें सारे वो बैठे हैं यहाँ पे, फ्रेटो भी इधर फिर रहा है। चलें आज हम इनको बंद ही रखेंगे ठीक है, मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से हम अपने बाकी जो हमारे परिंदे हैं ना उनको अंदर नहीं लेके जा रहे, तो इस वजह से सारे हमने बर्ड्स हाउस के अंदर रख दिए हैं, और जब तक ज़मीन ये सूख नहीं जाती तब तक हमारे बर्ड्स केज के अंदर ही रहेंगे, और जब ये सूख जाएगा तो हम बर्ड्स केज परिंदे अपने निकाल के फिर बर्ड्स केज में सारा काम कराएंगे, और इस सहन पे भी हम सारा काम कराएंगे। ये देखें सारा सामान है ना, ये देखें बिखरा पड़ा हुआ है सब का सब, अभी इंशाल्लाह ये कल तक बिल्कुल सेट हो जाएगा सारा का सारा, और हम यहाँ पे भी बनवा रहे हैं और अपने बर्ड्स केज के बाहर मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें वो उधर चली गई यार, अभी तो ज़मीन गीली थी हमारी, सुनू मुन्नू उधर चली गई, आ जाओ वापस यार, पता नहीं अब ये वापस आती है कि नहीं आती। बहुत ज्यादा थक गया अवैस भाई, ये टर्की जो है ना मैंने उधर खड़े कर दिए हैं, अच्छा टाइम और ग्लू भी, और जो चूजे हैं ना वो यहाँ पर बंद कर दिए हैं, ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर लिपाई हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ। तो दोस्त अंदर कर रहे हैं, तो हम भी सुबह से लगे हुए हैं, बिल्कुल तो ये थोड़ी देर तक जो है ना ये फाइनल हो जाता है, ठीक है ना, हो गया। ये फिर जो है ना बाहर नहीं निकल सकेंगे आज। हाँ। इनको फिर कल निकालेंगे। हाँ दोस्तों इसी तरह जिस रामसर भाई बता रहे हैं, लेकिन अंदर का काम जो हो चुका है, तो मैं अंदर का काम आपको दिखा देता हूँ, अंदर का काम जो है आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये देखें, ये सहन भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, और वो छतें वगैरह ये हो गई वो हो गई सब की सब ठीक हो चुकी है, लेकिन ये देखो यार हमारी मुर्गी हैं, ये हमारे पिजन, इन्होंने फौरन से सहन जो दोबारा से ख़राब कर दिया है, वो देखें सारा का सारा गंदा कर दिया। क्या कर दिया यार तुम लोगों ने, तुम लोगों के घर को हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा एंड क्लीन डेकोरेट कर दिया था,
लेकिन इनके काम देखें दोबारा से उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया है। इस तरह लग रहा है जिस तरह पहले इनका सहन था ना, उसी तरह लग रहा है कि पहले की तरह हो गया है दोबारा। और अभी ये वाला सहन भी रहता है और हमारा जो बर्ड्स केज है ना उसमें भी काम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ ये देखें, अब तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा बन चुका है, क्योंकि सूजी सानू जो हमारे साथ काम किया ना, हर तरफ खड्डे बस, और कुछ भी नहीं नज़र आता था यहाँ पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खूबसूरत बन चुका है। और ये वाली छतें मैं दिखाता हूँ, लेकिन ये गंद वगैरह थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये देखें किस तरह बन चुकी हैं, ये भी बिल्कुल मज़बूत हो गई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा मज़बूत हो चुकी हैं ये भी। तोड़ बिल्कुल ऊपर तक, उस साइड तक जबरदस्त हो जाएगा। फिर क्या हुआ? नई खुशखबरी। वो कैसी? बिल्कुल न्यू, जीरो मीटर अभी फ्रेश। इसके अंदर वो लिपाई वगैरह कर रहे थे ना, हाँ। मैंने एक चीज देखी है। क्या चीज देखी है? हमारे जो व्हाइट डब है, हाँ। व्हाइट डब जो पहले पहले घूम रहे, हाँ हाँ, वो जाकर देखना उसके केज में उनको क्या हो गया है। यार ये ऊपर केज में तो बैठा हुआ है तो भाई कुछ देखने भी दे। हाँ ये तो मैं इसको खोलता हूँ पहले, फिर देखता हूँ मैं क्या चीज़ है यहाँ पे। अंडा यार, एक अंडा है। अंसर भाई ये तो कमाल हो गया यार, इन्होंने भी अंडा दे दिया। हाँ भाई उन्होंने अंडा दे दिया है यार, ये तो जबरदस्त हो गया यार। कब से अंडा नहीं दे रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि अभी अंडा देंगे, लेकिन अंडा दे दिया इन्होंने। तो क्या आपने उनको चेक किया है? नहीं उनको नहीं देखा। सेम डेट को लेके आए थे क्या? उन्होंने भी अंडा दे दिया हो सकता है, देख लो। क्योंकि जब हम ये लेके आए थे तब हमने वो भी लिए थे, तो क्या पता हो सकता है इन्होंने भी अंडा दे दिया हो। नहीं यार ये भी खाली ये भी खाली। तो इनमें से किसी ने भी अभी तक अंडा नहीं दिया, ना हमारे लव बर्ड ने दिया है और ना हमारे फैंसी पैरट्स ने दिया है। और यार हमने डैम में डब को भी नहीं देखा, क्या पता उसने भी अंडे दे दिए हो। यार ये देखे नहीं यार, डायमंड डब ने भी अंडा नहीं दिया। और मुझे याद आता है हमारा एक पिजन जो अंडू के ऊपर बैठा हुआ था, उसको देखते हैं क्या वो अंडू के ऊपर बैठा हुआ है, या ऐसा तो नहीं कि मिस्त्री भाइयों ने वो अंडा जो है तोड़ तो नहीं दिए। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम भी पास से उनको हमने मना किया था, लेकिन वो देखे माशाल्लाह वो देखे। थोड़ा साइड पे हो जाओ गुस्से वाले भाई, वो देखो यार साइड पे भी हो रहा। वो देखे एक बच्चा तो जाहिर है, लेकिन मैं दूसरा बच्चा देखना चाहता हूँ कि दूसरा बच्चा भी है या अभी तक वो बाहर नहीं आया। दोनों दो है वो एक नीचे है इसके। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे रेड बॉल कबूतर ने दो बच्चे दे दिए, दो बच्चे माशाल्लाह, ये तो कमाल हो गया। क्योंकि काफी दिन हो गए थे अंडों के ऊपर बैठे हुए थे, तो मुझे नहीं लगता था कि ये अब बच्चे देंगे, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बच्चे दे दिए हैं अब। वो यार इनका गेट तो बंद करना भूल गया मैं, ये तो उड़ जाने थे फिर। यार ये देखे हमारे रेड बॉल कबूतर का जो बच्चा था ना, वो देखिए मेरे हाथ पे आके खुद ब खुद आज बैठ गया है, लेकिन पहले कभी नहीं आया ये मेरे पास, लेकिन आज ही पता नहीं किस तरह आ गया। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है ये। हाँ चले जाओ ऊपर चले जाओ, हाँ गुड हो गया। हाँ जी, तो हमारे बर्ड्स हाउस का रास्ता जो मुकम्मल अभी बंद हो चुका है। ये देखें हर तरफ ये लिपाई हो गई है और ये अभी गीला है, तो पता नहीं ये कब सूखता है, जब सूखेगा तब हम अंदर जा सकते हैं। अभी हमने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है और अपने सारे बर्ड्स को हमने पानी सब कुछ दे दिया, फीड वगैरह सब कुछ उनको दे दिया। और इधर जो है हमने अपने वो टर्की हो गए, हमारे डैम ग्लोवी सब के सब हमने यहाँ पे बंद कर दिए फिलहाल। ओ भाई साहब, यार इकराम भाई ये कब तक सूख जाएगा यार? इंशाल्लाह ये सुबह 10-11 बजे ये सूख जाएगा। अच्छा मतलब शाम को नहीं सूखने वाला ये? नहीं ये शाम को नहीं सूख सकता। ओ भाई साहब यार ये तो फिर देर हो जाएगी। शुक्र है हमने अपने बर्ड्स को वो खाने पीने की सामान वो दे दी है, जी। वरना ये तो भाई कह रहे हैं सुबह 10 बजे तक आप नहीं जा सकते अंदर। नहीं